ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 8। देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है। देर आर सम नाउन्स दैट एंड इन यूएम, दे आर कंसिडर्ड सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका अंत एवरीवन यूएम से होता है। यूएम से अंत होता है मतलब उस नाउन का, उस वर्ड का अंतिम दो अक्षर यूएम होता है। आगे बोला जा रहा है ऐसे नाउन को आप सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर बोला जा रहा है, सिंगुलर ऑल द टाइम नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब कि इस तरह के नाउन का प्लुरल फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन बात फिर से वही है, ये सारे नाउन भी इरेगुलर नाउन हैं। इनका प्लुरल फॉर्म आप एस या एस ऐड करके नहीं तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे वो बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं अच्छे से कि भाई इस कैटेगरी का, इस ग्रुप का नाउन है कौन कौन। आइए देखिए, पहला वर्ड, पहला नाउन है अडेंडम, दूसरा है अजेंडम, तीसरा है बैक्टीरियम, चौथा है कॉरिजेंडम, पांचवा है करिकुलम, छठा है क्रिमेटोरियम, सातवां है ओबम, आठवां मैक्सिमम, मिनिमम, मोमेंटम, अक्वेरियम, डेटम, एम्पोरियम, मीडियम, मेमोरेंडम, मिलेनियम, पोडियम, रोस्टरम, स्ट्रेटम और अल्टीमेटम। ध्यान दिया सबने? आप देखिए सबके एंड में यूएम आ रहा है। ये सारा वर्ड, ये सारा नाउन इस ग्रुप से, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब इन सारे वर्ड्स को, नाउन को हमें सिंगुलर मानना है। अब देखिए कैसे प्लुरलाइज हो गई। देखिए प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे एवरीवन, जो इनकी पहचान है, क्या पहचान है इनकी कि इनके अंत में यूएम आ रहा है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर उसमें आप ये ऐड कर दीजिए। तो यूएम को रिमूव करना है और ए को ऐड करना है। ये करते ही ये सारे नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए देखिए अडेंडम है, सिंगुलर है, यूएम हटा के ए जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा? अडेंडा। अजेंडम से क्या हो जाएगा? अजेंडा। बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, कॉरिजेंडम कॉरिजेंडा, करिकुलम करिक्यूला, क्रेमेटोरियम क्रेमेटोरिया, ओबम ओबा, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, मोमेंटम मोमेंटा, अक्वेरियम अक्वेरिया, डेटम डेटा, एम्पोरियम एम्पोरिया, मीडियम मीडिया, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, मिलेनियम मिलेनिया, पोडियम पोडिया, रोस्टरम रोस्ट्रिया, स्ट्रैटम स्ट्रैटिया, अल्टीमेटम अल्टीमेटा। ठीक है एवरीवन, यूएम को हटाना है और ए को ऐड करना है, वो सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देखिए, द सीएम हैज प्रेजेंटेड 4 अजेंडम्स टू द गवर्नर। ठीक है, ध्यान दे रहे सब लोग? अभी आप सबको बताना है ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। तो आप देख पाएंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, अजेंडम से गलत है। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अजेंडम्स करके कोई शब्द इंग्लिश में नहीं होता है ना? या तो अजेंडम होता है, नहीं तो अजेंडा होता है। और क्योंकि यहाँ पे फोर है, फोर मतलब मोर देन वन, तो वहां आपको प्लूरल नाउन की जरूरत है। अजेंडम्स नहीं एवरीवन, यहाँ पर अजेंडा होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस, फुल सेंटेंस क्या होगा? द सीएम हैज प्रेजेंटेड 4 अजेंडा टू द गवर्नर। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। बैक्टीरिया लीव एवरीवेयर, आपको बताना है ये सेंटेंस सही कि गलत। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता है, डूअर है, और ये जो लीव है इस सेंटेंस का वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। बताना है आपको ये सही है कि गलत। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है एवरीवन, तो ये था पॉइंट नंबर 8। अभी इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग देखेंगे। चलिए पॉज कीजिए जेपी सर, अब तो उधर खोज। चलिए एवरीवन, तो पहला वर्ड है अडेंडम, इसको हिंदी में हम कहते हैं परिशिष्ट। ये परिशिष्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है जिसको किसी बुक में ऐड करना होता है, अडेंडम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड है, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ने की कोई चीज, परिशिष्ट उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है अजेंडम, अजेंडम को आप कह सकते हैं हिंदी में कार्यक्रम या कार्य सूची, है ना, मतलब सूची लिस्ट।
उन सारे पॉइंट्स का, मैटर्स का, जिसको किसी मीटिंग में डिस्कस करना है। तीसरा वर्ड है बैक्टीरियम, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसको हिंदी में हम लोग जीवाणु बोलते हैं, एक तरह का माइक्रोब है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। चौथा वर्ड है कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम का मतलब होता है एवरीवन संशोधन, है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको कि शुद्ध करना है, जो गलती है, जो एरर है, जो मिस्टेक है, जिसको कि शुद्ध करना है, सही करना है, उसको कॉरिजेंडम बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है करिकुलम, करिकुलम को हिंदी में कहते हैं एवरीवन पाठ्य विवरण, यानी ऑल द सब्जेक्ट्स टॉट इन अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, है ना, वो सारे विषय जो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली करिकुलम कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेमेटोरियम, जिसको कि हिंदी में कहते हैं दाह संस्कार स्थान या भवन, मतलब ऐसी कोई जगह, कोई बिल्डिंग जहाँ पर लाशों को, है ना, मृत शरीरों को जलाया जाता है, उसको दाह संस्कार स्थान या भवन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्रेमेटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है ओबम, ओबम को हिंदी में कहते हैं अंडाणु, यानी अंडा, एग, है ना, जिसको कि कोई वुमन या फीमेल एनिमल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है मैक्सिमम, यानी अधिकतम, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल और अलाउड अमाउंट और लेवल। फिर है मिनिमम, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम, कम से कम, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल और अलाउड अमाउंट और लेवल। और फिर एवरीवन इधर ये लास्ट वर्ड है मोमेंटम, इसको हिंदी में कहते हैं गति या संवेग, जिसको कि आप सिंपल वर्ड में फोर्स कह सकते हैं, या मोमेंटम एक एबिलिटी होती है गति को बढ़ाने की, मोमेंटम। ठीक है, चलिए, अक्वेरियम एवरीवन, हिंदी में इसको बोलते हैं जलशाला, है ना, फिश टैंक, एक तरह का टैंक होता है जिसमें समुद्री जीवों को, मछलियों वगैरह को रखा जाता है, लोग उसको देखने जाते हैं। डिक्टम यानी कहावत या निर्देश, अ शॉर्ट स्टेटमेंट। इम्पोरियम व्यवसाय केंद्र, मार्केट, बाजार। मीडियम यानी साधन या माध्यम, मींस। मेमोरेंडम को कहते हैं स्मरण लेख, अ रिटन मैसेज इन बिजनेस और डिप्लोमेसी। मिलेनियम 1000 वर्ष का समय होता है, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। पोडियम और ऑस्ट्रम एवरीवन मंच होता है, भाषण मंच होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर स्पीकर वक्ता खड़े होकर भाषण देता है पब्लिक के सामने। स्ट्रेटम का दो मीनिंग होता है एवरीवन, एक होता है परत यानी लेयर और दूसरा होता है सामाजिक स्तर यानी सोशल क्लास या सोशल स्टेटस। फिर एवरीवन सिंपोजियम, सिंपोजियम के भी दो मीनिंग, एक होता है मदिरा पान उत्सव, है ना, और दूसरा होता है परिचर्चा, परिचर्चा यानी मीटिंग। ओके, अल्टीमेटम एवरीवन लास्ट वर्ड है, अल्टीमेटली लास्ट वर्ड देख रहे हैं हम लोग अल्टीमेटम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतिम चेतावनी यानी लास्ट वार्निंग। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 8, जो ये कह के गया कि वो सारे नाउन है जिसका अंत यूएम से होगा और इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन एज, कुछ नाउन ऐसा होता है जिसका अंत एज से होता है, मतलब आखिरी तीन अक्षर एजी होंगे, ऐसे नाउन को सिंगुलर मानना है हमेशा, ऑल द टाइम, यानी इस तरह के नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से नाउन इस ग्रुप, इस कैटेगरी के हैं। तो पहला वर्ड, पहला नाउन है बैगेज, ब्रेकेज, डैमेज, डोसेज, ड्रेनेज, एस्पियोनेज, गार्बेज, हेमरेज, हेरिटेज, लगेज, लीनेज, परसेंटेज, पोस्टेज, वेस्टेज, रेकेज, कैरेज। ठीक है एवरीवन, आप देख सकते हैं सबका अंत एजीई से हो रहा है। ठीक है, ये सारे वर्ड, ये सारे नाउन इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब सबको सिंगुलर ही मानना है, हमेशा सिंगुलर मानना है, हर बार सिंगुलर मानना है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आइए इस पर बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। लीव दिस रूम विद बैग एंड बैगेजेस, एक सेंटेंस से क्या लगता है आप सबको, ये सही है? चलिए एवरीवन, ये सही नहीं है, ये गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैगेज में झूठ मूठ का एस जोड़ दिया गया है। ठीक है, आपने सुना अभी कि बैगेज हमेशा सिंगुलर होता है, वो प्लूरल बनता ही नहीं, तो एस ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं, बैगेजेस कोई वर्ड नहीं होता एवरीवन, बैगेज होता है सही वर्ड। चलिए, तो बैगेजेस को हमने बैगेज कर दिया, सही हो गया सेंटेंस? नहीं, अभी भी एक एरर है, ध्यान दीजिए। ये बैग एंड बैगेज एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में विद ऑल बिलोंगिंग्स,
विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सारे सामान के साथ। अब देखिए कि बैग एंड बैगेज के मीनिंग में विथ पहले से ही है एवरीवन, तो ये जो एक्स्ट्रा विथ है इसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस विथ को आप रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, तब जाके सेंटेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, लीव दिस रूम बैग एंड बैगेज, ठीक है एवरीवन। और बैग एंड बैगेज एक लौता एक्सप्रेशन नहीं था इस तरह का कि जिसके मीनिंग में कोई एक वर्ड पहले से होता है फिर भी उस एक्स्ट्रा वर्ड को लोग यूज करते हैं। इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, इवन वर्ड्स भी हैं, है ना। उस वर्ड के मीनिंग में वो एक्स्ट्रा वर्ड पहले से होता है फिर भी लोग उसको यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको, देखिए, रिटर्न माई बुक बैक, रिटर्न माई बुक बैक, क्या लगता है एवरीवन, सही है सेंटेंस, मेरी पुस्तक वापस करो। रिटर्न का मतलब क्या होता है, गिव समथिंग बैक या कम बैक, कम बैक या गिव समथिंग बैक। तो आप देखिए ध्यान से, रिटर्न के मीनिंग में बैक पहले से ही है, तो अलग से फिर से लगाएंगे क्या बैक आप, है ना। तो आप सिंपली बोलो रिटर्न माई बुक, है ना। अगर आपको बैक लगाने का इतना ही मन है, बैक वर्ड यूज करने का इतना ही मन है, तो गिव बोलो, गिव माय बुक बैक या गिव बैक माय बुक, इस तरह से। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, लगे हैं, रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन, क्या लगता है, सही है गलत है, ये भी गलत है। रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में डू समथिंग अगेन, किसी काम को फिर से करना, है ना। तो रिपीट के मीनिंग में अगेन पहले से ही है, इस अगेन को लगाना जरूरी नहीं है, आप लगा रहे हैं तो गलत है, आप सिंपली बोलो रिपीट इट, समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक वर्ड है, नाउन है कजन, ठीक है। कजन का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, भाई या बहन, तो कैसा भाई बहन, क्या अपना सहोदर, नहीं, चचेरा ममेरा चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये कजन का मतलब होता है। तो कजन का मतलब होता है भाई बहन, लेकिन लोगों की आदत होती है गलती करने की, मिस्टेक करने की, वो कजन ब्रदर बोलते हैं, वो कजन सिस्टर बोलते हैं, और ऐसे ही नहीं इतरा इतरा के बोलते हैं कि वो देखो वो जो काले सूट में खड़ा है ना लड़का, वो NRI है, मेरा कजन ब्रदर है, और जो लड़की तुमको दिख रही है ना गोलगप्पे खा रही उछल उछल के, वो मेरी कजन सिस्टर है। तो इस तरह से बोलते हैं लोग, बताइए। अब कजन का मतलब पहले से ही भाई बहन है, तो अलग से ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक दिन मैंने सुना एक आदमी बोल रहा था कि भैया मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। मैंने पूछा क्या हो गया, तो कह रहा है कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया। बताइए ब्लंडर मिस्टेक बोलने की चीज़ है, अरे यार ब्लंडर का मतलब पहले से ही बिग मिस्टेक होता है, पहले से ही बड़ी गलती, बड़ी चूक, बड़ी भूल होती है। आपने जब ब्लंडर बोल दिया तो मिस्टेक बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ब्लंडर बोलो, उसके साथ मिस्टेक मत लगाओ। तो इस तरह से करते हैं लोग, है ना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, फ्रेजेज है, जिसके मीनिंग में वो एक्स्ट्रा वर्ड पहले से है लेकिन लोग उसको यूज करते हैं, बोलते हैं, इस तरह के मिस्टेक करते हैं। अभी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता लगते चला जाएगा। वो तो बैग एंड बैगेज एग्जाम्पल में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम इन सारे वर्ड्स का, इन सारे नाउन का मीनिंग देखेंगे। पहला वर्ड एवरीवन बैगेज, यानी यात्री का सामान, बैग, सूटकेस एटसेट्रा। सेकेंड वर्ड इज ब्रेकेज, यानी ब्रोकन थिंग्स, टूटी फूटी चीजें। उसके बाद है डैमेज, जिसको कहते हैं हिंदी में क्षति, यानी एनी हार्म और इंजरी। डोसेज, जिसको कि आप कह सकते हैं हिंदी में खुराक, द अमाउंट ऑफ अ मेडिसिन दैट यू टेक एट अ टाइम। ड्रेनेज, यानी पानी की निकासी प्रणाली, मेथड ऑफ ड्रेनिंग। एस्पियोनेज, यानी जासूसी, फाइंडिंग आउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। गार्बेज, यानी कूड़ा कचरा, वेस्ट। हेमरेज, यानी रक्तस्राव, ब्लीडिंग। हेरिटेज, यानी विरासत, ट्रेडिशंस। लगेज, यानी सामान, बैग, सूटकेस एक्सेट्रा। लीनेज, यानी वंशावली, सीरीज ऑफ फैमिलीज यू कम फ्रॉम। परसेंटेज, यानी प्रतिशतता। पोस्टेज, यानी डाक शुल्क। कैरेज, यानी व्हीकल, गाड़ी। रिकेज, यानी मलवा, ब्रोकन पीसेस। ठीक है एवरीवन, तो ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 समझते हैं एवरीवन, देखिए क्या कह रहा है ये। Noun repeating itself after a preposition
मस्ट बी सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन. ठीक है एवरीवन, ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि नाउन अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है किसी प्रेपोजिशन के बाद. तो कहा जा रहा है एवरीवन, जब भी ऐसा हो तो उस नाउन का फॉर्म और फंक्शन दोनों सिंगुलर होना चाहिए. वो दिखना भी चाहिए सिंगुलर और बिहेव भी ऐसे करेगा जैसे वो सिंगुलर है. ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस रूल को, इस पॉइंट को समझते हैं. देखिए एग्जाम्पल है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर स्वेप्ट अवे इन द फ्लड. ठीक है एवरीवन, आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है विलेजेस, ये रिपीट हो रहा है, ये दोहराया जा रहा है ना, इसको फिर से यूज किया गया है आफ्टर के बाद. आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है. आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर संबंध बोधक शब्द है. ठीक है एवरीवन, तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि गांव के गांव बाढ़ में दह गए बह गए. एवरीवन ये क्लियर है कि बाढ़ में एक गांव नहीं बहा है दहा है, एक से अधिक गांव बहे दहे हैं. ठीक है, लेकिन रूल कहता है कि आप उसको सिंगुलर रखिए फॉर्म में भी और फंक्शन में भी. कहने का मतलब ये है कि लास्ट लेटर है ना, उन सारे नाउन का एस नहीं होना चाहिए. तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होना चाहिए, विलेज आफ्टर विलेज होना चाहिए. ठीक है, और देखिए ये वर्ब इस सेंटेंस का वर्ब है और उसी वर्ब का सब्जेक्ट है ये विलेज आफ्टर विलेज, है ना. जैसा कि आप समझ रहे हैं, एक से अधिक गांव की बात हो रही है लेकिन रूल तो कह रहे हैं कि उसको सिंगुलर मानो आप. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. तो ये जो वर्ब है ये भी गलत है, यहाँ पे वॉज होना चाहिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने देखा क्वेश्चन के माध्यम से, तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए विलेज आफ्टर विलेज, ना कि विलेजेज आफ्टर विलेज. विलेज आफ्टर विलेज वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड. ठीक है एवरीवन, एक और एग्जाम्पल है हमारे सब क्वेश्चन के फॉर्म में ही है. देखिए रो अपॉन रो ऑफ ट्रीज हैड बीन प्लांटेड. क्या लगता है आप सबको एवरीवन, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? सोचिए बताइए. देखिए रो रिपीट हो रहा है अपॉन के बाद, है ना, दिख रहा है सिंगुलर और सिर्फ दिख ही नहीं रहा है, उसका फंक्शन भी सिंगुलर है क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी, मेन सब्जेक्ट भी रो अपॉन रो ही है. अब उसके लिए वर्ब आया हैज, ठीक है, फॉर्म भी सिंगुलर मीनिंग भी सिंगुलर, है ना, क्योंकि वो हैज है इसका मतलब सब्जेक्ट को सिंगुलर माना गया है. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा एवरीवन? रो अपॉन रो ऑफ ट्रीज हैज बीन प्लांटेड, पेड़ों के कतार लगा दिए गए हैं. समझ में आ रहा है भाई पॉइंट, रूल समझ पा रहे हैं सब लोग? तो क्या लगता है आपको, डोर टू डोर होता है या डोर्स टू डोर्स होता है? तो डोर्स टू डोर्स नहीं होता है, डोर टू डोर होता है. डे बाय डे होता है या डेज बाय डेज होता है? तो डेज बाय डेज नहीं होता है, डे बाय डे होता है. वर्ड फॉर वर्ड्स नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है. मैन आफ्टर मैन नहीं होगा, मैन आफ्टर मैन होगा. तो नाउन जब भी रिपीट करे अपने आप को, दोहराए अपने आप को किसी प्रपोजिशन के बाद, तो उसको सिंगुलर ही रखना है, फॉर्म में भी फंक्शन में भी. फॉर्म में कहने का मतलब है उस वर्ड का, उस नाउन का लास्ट लेटर एस नहीं होना चाहिए. और फंक्शन कहने का मतलब यह है कि अगर वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो उसको सिंगुलर मानना है, उसके लिए वर्ब भी आपको सिंगुलर ही रखना है. चलिए पॉइंट नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 के तरफ. पॉइंट नंबर 11 एवरीवन इस लेसन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे दिलचस्प नियम यही है. क्या कहता है ये? देयर आर सम नाउन्स इन इंग्लिश दैट हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन एवरीवन अंग्रेजी में ऐसे भी होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, एक ही होता है, मतलब वही वर्ड सिंगुलर है और वही वर्ड प्लूरल भी है. आइए देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये देखिए एस एच डबल ई पी, ये क्या लिखा मैंने? शिप. क्या होता है शिप का मतलब? अब कुछ लोग बोल लेंगे जहाज, ये जहाज वाली शिप नहीं है, ये एस एच आई पी नहीं है, ये भेड़ वाला शिप है. तो शिप का मतलब क्या होता है? एक भेड़ या एक से अधिक भेड़, दोनों होता है. एक भेड़ को भी शिप भी कहना है, एक से अधिक भेड़ को भी शिप ही कहेंगे. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि शिप्स का मतलब क्या होगा तो क्या बोलिएगा? शिप्स कोई वर्ड ही नहीं होता. समझ में आ रही है बात? चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला नाउन देखिए इसी कैटेगरी का, इसी ग्रुप का, डी डबल ई आर डियर. क्या होगा डियर का मतलब? हिरन. कितने हिरन? एक या एक से अधिक, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, वो डिपेंड करता है.
है ना, कि आप एक की बात कर रहे हो कि एक से अधिक की बात कर रहे हो। ये बताओ मुझे डेयर्स का मतलब क्या हो। सही कहा आपने, डेयर्स कोई वर्ड नहीं होता है, कोई नाउन नहीं होता है। अभी देखो आगे, SWINE, स्वाइन। स्वाइन को कहते हैं हिंदी में सुअर, पिग। क्या लगता है, एक सुअर या एक से अधिक सुअर? दोनों होगा, एक सुअर भी हो सकता है, एक से अधिक सुअर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी बताना मुझे तुम लोग स्वाइन्स का मतलब क्या हो। तो स्वाइन्स कोई वर्ड नहीं होता है, स्वाइन्स कोई नाउन नहीं है। वैसे ही देखिए FISH, फिश। क्या होगा फिश का मतलब? मछली की मछलियाँ, दोनों होगा, मछली भी और मछलियाँ भी। तो ये बताइए कि फिशेस का मतलब क्या होगा। अब ये बोलने की गलती मत करिए कि फिशेस कोई वर्ड नहीं होता है, फिशेस वर्ड होता है, नाउन होता है, ठीक है। फिशेस का मतलब होता है मछलियों की प्रजातियाँ, मछलियों की प्रजातियाँ। देख पा रहे हैं एवरीवन, ये कुछ नाउन्स है जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। इसी तरह का एक वर्ड है, नाउन है सीरीज, स्पेसीज, अपैरेटस, कैनन, एयरक्राफ्ट, कॉड, सैल्मन एट्सेट्रा। ठीक है एवरीवन, ऐसे तो नाउन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उन कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स को दिया है आपको, बताया एग्जांपल के रूप में, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सैल्मन और कॉड दोनों मछली की प्रजाति का नाम है। एयरक्राफ्ट यानी वायुयान, कैनन को तोप बोलते हैं, तोप, ठीक है। अपैरेटस यानी उपकरण, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट। स्पेसीज यानी प्रजाति। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला या श्रेणी। और बाकी सबके मीनिंग तो आपने सुना ही है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में, वाक्य के रूप में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ओके एवरीवन, एग्जाम्पल है शी हैज सोल्ड ऑल हर डियर एंड शिप्स। क्या लगता है सबको, सेंटेंस सही है कि गलत? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यह सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि उनको यहाँ पे शिप्स दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जहाज वाला शिप है, भेड़ वाला नहीं, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये उसका सही प्लूरल फॉर्म है, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 11। अब बारी है अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 12। देखिए पॉइंट नंबर 12 क्या लेकर आया हम लोगों के लिए। देर आर सम नाउंस दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन फंक्शन। ठीक है एवरीवन, कहा जा रहा है कि कुछ नाउन ऐसा होता है इंग्लिश में जो दिखते हैं प्लूरल। कैसे दिखते हैं? प्लूरल, लेकिन वो फंक्शन में सिंगुलर होते हैं। दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं। दिखते प्लूरल हैं कहने का मतलब ये है कि उस वर्ड का, उस नाउन का लास्ट लेटर एस होता है, ठीक है। तो उसका लुक प्लूरल हो गया, है ना, उसका फॉर्म, उसका अपीयरेंस, उसका रूप स्वरूप प्लूरल हो गया, बहुवचन वाला हो गया। लेकिन फंक्शन में, है ना, कार्य में वो सिंगुलर ही होता है। यानी अगर वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मानना है, वर्ब को भी सिंगुलर रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथलेटिक्स, सिविक्स। आप देख सकते हैं इन सारे शब्दों का आखिरी तीन अक्षर ICS है, है ना। एस तो लास्ट लेटर है ही सारे वर्ड्स का, सारे नाउन का, लेकिन ICS है। ये सारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं, है ना, जिनका लास्ट लेटर एस होता है। लेकिन क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है तो उनको सिंगुलर ही मानना है, उनको प्लूरल नहीं मानना। अब ये देखिए, न्यूज, इनिंग्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंजल्स, बिलियत, समन्स। तो ये सारे भी वो वर्ड्स है, जो वो नाउन्स है जिसका लास्ट लेटर एस है। ये दिख रहा है प्लूरल, लेकिन मानना इन सबको सिंगुलर है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के रूप में, कि सवाल भाई कैसे बनाया, पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए एग्जाम्पल है, द न्यूज आई हैव रिसीव्ड टुडे आर नॉट ट्रू। खबर जो आज मुझे मिली है वो सही नहीं है, ठीक है। क्या लगता है, ये सही कि गलत? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये देखिए, आर इस सेंटेंस का वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है न्यूज। न्यूज भले ही दिखता प्लूरल है, लेकिन होता तो सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आर तो होगा नहीं, वर्ब क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द न्यूज आई हैव रिसीव्ड टुडे इज नॉट ट्रू। चल एक और एग्जाम्पल है, सचिन प्लेड मोर देन 1000 इंटरनेशनल इनिंग। क्या लगता है, सही है कि गलत? ठीक कह रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है इनिंग, ये गलत है। इनिंग करके कोई शब्द ही नहीं होता है, इनिंग इज नो वर्ड। सही वर्ड, सही नाउन है इनिंग्स।
सही वर्ड, सही नाउन एवरीवन, इनिंग्स। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सचिन प्लेड मोर देन 1000 इंटरनेशनल इनिंग्स। इस तरह से भी सवाल बनाए जाते हैं। अब अगर उस वर्ड का लास्ट लेटर एस है तो एस होना चाहिए, हटेगा तो फिर वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगा शब्द। तो इस पर भी ध्यान देना आपको, इस तरह से भी सवाल बनाए जाते हैं एवरीवन। ये था पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 एवरीवन क्या कह रहा है, देयर आर सम नाउन्स दैट लुक प्लूरल, लुक प्लूरल, हाँ ठीक है, एंड आर प्लूरल इन फंक्शन। ठीक है, तो कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। दिखते प्लूरल हैं कहने का मतलब लास्ट लेटर उनका एस होगा, और सिर्फ दिखेंगे नहीं प्लूरल, उनका फंक्शन भी प्लूरल वाला ही होगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर वो आएंगे तो उनको हम प्लूरल ही मानेंगे, वर्ब को प्लूरल ही रखेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे नाउन है एवरीवन इस कैटेगरी के, है ना। तो इस कैटेगरी के जितने ज़्यादा नाउन्स को आप जानोगे उतने ही फायदे में रहोगे, क्योंकि उतने ही सवाल इस पर पूछे जाते हैं। एक तो सवाल पूछे ही जाते हैं, एक तो इस कैटेगरी के जितने नाउन्स हैं, वर्ड्स हैं, वो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, वो हमारे लैंग्वेज में खूब यूज़ होते हैं। तो इस कैटेगरी के जितने ज़्यादा शब्द आप सीखे रहेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। चलिए देखते हैं, पहला वर्ड है आर्म्स, दूसरा है एनल्स, तीसरा है आर्काइव्स, एरियर्स, auspices, belongings, bitters, bowels, movables, muniments, nuptials, obsequies, odds, outskirts, proceeds, particulars, breakables, bygones, confines, congratulations, disagreeables, doings, dues, earnings, eatables, edibles, embers, entrails, fetters, greens, handcuffs, immovables, intestines, mains, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको भी देखेंगे आप लोग। Riches, remains, ruins, sunrise, surroundings, thews, tidings, toils, vegetables, winnings, valuables, breeches, briefs, clothes, pants, pajamas, trousers, panties, shorts, tights, underpants, bellows, binoculars, forceps, clippers, dividers, pincers, scissors, shears, tongs, glasses, goggles, spectacles, pliers, fangs, regards, savings, shambles, tactics, thanks, braces। देखा आपने, इस कैटेगरी के नाउन बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखिए एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो आप जितने याद रखोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे। आइए अब इस पॉइंट पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए एवरीवन, एग्जांपल है, योर सीजर डजंट वर्क वेल। ठीक है, एक सेंटेंस है, आपको बताना ये ग्रामेटिकली सही है कि गलत, क्या लगता है, योर सीजर डजंट वर्क वेल। चलिए सबसे पहले गलती तो इसमें यही है, सीजर, ठीक है, हमें अभी कैंची की बात करनी है, और कैंची का अंग्रेजी सीजर नहीं होता है, कैंची की अंग्रेजी होती है सीजर्स, कैंची की अंग्रेजी होती है एवरीवन सीजर्स। ठीक है, आप एस इस तरह से हटा नहीं सकते, समझ रहे, एस का वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ड में कभी भी लगा दिया, किसी भी वर्ड से कभी भी हटा दिया। तो सही वर्ड, सही नाउन सीजर्स ही होता है। ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए सीजर्स दिखता भी प्लूरल है, होता भी प्लूरल है। सो अगर सीजर्स सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डजंट नहीं डोंट आता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, योर सीजर्स डोंट वर्क वेल, आपकी कैंची ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, शी हैज बॉट 20 बाइनोक्युलर्स। देख पा रहे हैं, उन्होंने 20 बाइनोक्युलर्स खरीदा है, 20 दूरबीन खरीदा है, क्या लगता है सही कि गलत। इस बार तो बाइनोक्युलर में एस भी है, चलिए कुछ लोगों को ये सही लग सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। चलिए यहाँ पे क्या पॉइंट है मैं आपको समझाता हूँ एवरीवन। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो दो भागों के मिलने से बनती है। जब दो पार्ट को आप कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस एक पूरे चीज़ का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जब भी काउंटेबल दिखाएंगे तो उसके पहले पेयर ऑफ लगाएंगे। उस चीज़ को जब भी आप काउंटेबल दिखाएंगे तो उसके पहले आप पेयर ऑफ लगाएंगे। अब 20 दूरबीन का अंग्रेजी एवरीवन 20 बाइनोकुलर्स नहीं होगा, 20 पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स होगा, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कैंची है, दूरबीन है ना। कैंची में दो ब्लेड जोड़ते हैं आप तो एक कैंची का निर्माण होता है। बाइनोकुलर्स में भी दो लेंसेज होते हैं, वैसे ही होता है चश्मा, चश्मा में भी दो ग्लासेज होता है ना एवरीवन। वैसे ही होता है हमारा पैंट पजामा ट्राउजर्स, पैंट या पजामा एक होता है, लेकिन दो कपड़ों के टुकड़े को जब आप स्टिच करते हैं तब एक पैंट पजामा बनता है। तो समझ में आ रही है बात? तो बात ऐसी चीज़ों की हो रही है जो एक होती है लेकिन बनती है दो भागों के मिलने से। उनको जब भी हम काउंटेबल दिखाएंगे, जब भी हम उनकी संख्या बताएंगे, तो उसके पहले हम पेयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं एवरीवन, उसका कोई एक पार्ट खराब हो जाता है, कोई एक भाग खराब हो जाता है तो पूरी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे कैंची है ना, तो कैंची का कोई एक ब्लेड बोथर हो जाए, ब्लंट हो जाए, टूट जाए, तो क्या वो कैंची किसी काम की रहेगी? या आप चश्मा पहनते हैं, है ना, चश्मा का एक साइड है ना, एक तरफ का ग्लासेस फूट जाए, गिर जाए, किसी तरह से ख़राब हो जाए, तो फिर वो किसी काम का रहेगा क्या? वो किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा, आप पैंट पजामा पतलून पहनते हैं एवरीवन, है ना, अब मान लीजिए वो गंदा हो गया, उसको धोने में है ना बहुत मेहनत लगती है, फिर आप उसको सुखाते हैं, उसके बाद आयरन करते हैं, मजाक मजाक में कभी आयरन ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, और जलना भी था पैंट को तो वो घुटने के ऊपर जल गया। अगर घुटने के नीचे जलता तो हम तो उसको हाफ पैंट बना के काम चला लेते, अगर ऊपर जल गया तो पैंट किसी काम का रहेगा क्या? तो बात ऐसी चीज़ों की हो रही है एवरीवन। इस तरह की चीज़ों को जब भी काउंटेबल दिखाना होगा उसके पहले हम पेयर ऑफ लगाते हैं। तो 20 दूरबीन का अंग्रेजी एवरीवन 20 बाइनोकुलर्स नहीं होगा, 20 पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो बताइए मुझे 30 कैंची का इंग्लिश क्या होगा? ठीक कहा आपने, 30 पेयर ऑफ सीजर्स, कि 30 सीजर्स नहीं, 30 सीजर्स नहीं, 30 पेयर ऑफ सीजर्स। 40 पैंट का अंग्रेजी क्या होगा? 40 ट्राउजर्स ना, नहीं, 40 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। 50 चश्मों का अंग्रेजी क्या होगा? 50 ग्लासेस, 50 स्पेक्स, 50 गॉगल्स, नहीं, 50 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स या ग्लासेस। समझ में आ रही है बात? तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 13। चलिए एवरीवन, अब उन वर्ड्स के नाउंस के मीनिंग भी देख लेते हैं, मीनिंग्स क्या होता है उन सारे शब्दों का, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स जानने से काम होने वाले हैं नहीं, इतने सारे वर्ड्स हैं, सबके मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, सबका मतलब अर्थ भी मालूम होना चाहिए। देखते हैं, पहला वर्ड है, पहला नाउन है आर्म्स, ALMS, आर्म्स। आर्म्स को कहते हैं हिंदी में भिक्षा, भीख। दूसरा वर्ड है एनल्स यानी इतिहास, हिस्ट्री। आर्काइव्स यानी अभिलेखागार। एरियर्स यानी बकाया धन राशि, है ना, अनपेड अमाउंट। ड्यूज। ऑस्पीसेस यानी संरक्षण, प्रोटेक्शन। बिलोंगिंग्स यानी सामान, थिंग्स, चीज़ें। बिटर्स यानी द्रव। बाउल्स यानी आंत, जिसको कि इंटेस्टाइन्स भी बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। ब्रेकेबल्स यानी, है ना, वो चीज़ें जो टूट जाती है। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ब्रेकएबल एडजेक्टिव है ना, जो कि ब्रेक और एबल के जुड़ने से बना हुआ है ना। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना, टूटना। ब्रेकेबल मतलब टूटने योग्य, तो ब्रेकेबल एडजेक्टिव है, उसमें एस जुड़ा तो ये नाउन बन गया। तो ब्रेकेबल्स यानी भंगुर चीज़ें, टूटने वाली चीज़ें जो टूट जाती हैं, है ना। ओके, बाइगॉन्स यानी बीती बातें। कन्फाइंस यानी सीमा, हद, मर्यादा, दायरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाइयाँ। डिसअग्रीएबल्स यानी परेशानियाँ। देखिए, डिसअग्रीएबल एडजेक्टिव है, उसमें एस जुटा वो नाउन हो जाए, है ना, परेशानियाँ। डूइंग्स यानी कर्म। ड्यूज यानी शुल्क। अर्निंग्स यानी कमाई, है ना। ईटेबल्स यानी खाने की चीज़ें। एडिबल्स यानी खाने योग्य चीज़ें। एम्बर्स यानी अंगारे, अंगारे समझ रहे ना, वो लकड़ी का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा, है ना, आग लगनी, आग बुझ चुकी है
लेकिन उसमें अभी भी वो लाइट है, अभी भी हीट है, अंगारे, एंट्रेल्स यानी आते वही, इंटेस्टाइंस, फेटर्स बेड़ी, ग्रीन्स साग सब्जी, है ना, ग्रीन देखिए, ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव है, कलर का नाम है, एस लगा मीनिंग चेंज हो गया, साग सब्जी, हैंडकप्स यानी हथकरी, आउटस्कर्ट्स यानी सीमा, इमूवेबल्स यानी अचल संपत्ति, वो संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे कि जमीन, है ना, घर, मेंस प्रेत आत्माएं, मूवेबल्स चल संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, म्यूनिमेंट्स अधिकार पत्र, एक तरह का डॉक्यूमेंट है वो, न्यूपशियल्स विवाह संस्कार, विवाह से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित संस्कार, कस्टम्स, ऑब्सेक्यूज अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स, ऑड्स यानी परिस्थितियां, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और भी वर्ड्स है, उनके भी मीनिंग देखते हैं। प्रोसीड्स का मतलब होता है एवरीवन लाभ, रिचेज मतलब धन, रिमेन्स मतलब अवशेष, बची हुई चीजें, रुइंस का भी मतलब वही होता है, अवशेष, बची हुई चीजें, सनराइज यानी विविध वस्तुएं, मिसलेनियस थिंग्स, है ना, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का वातावरण, थ्यूज यानी मांसपेशिया, टाइडिंग्स यानी खबरें, समाचार, टोइल्स यानी जाल, सिकंजा, वेजिटेबल्स साग सब्जी, विनिंग्स जीत, जुए की जीत, वैल्यूएबल्स देखिए, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, एस जुड़ा उसमें नाउन हो गया वो, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान होता है, कीमती होता है, तो वैल्यूएबल्स मतलब हो गया मूल्यवान वस्तुएं, ओके, ब्रीचेस पतलून, ब्रीफ्स जांघिया, क्लोथ्स पोशाक, टाइट्स तंग कपड़े, टाइट कपड़े, बिलोज धौकनी, बाइनोक्युलर्स दूरबीन, फोर्सेप्स चिमटा, क्लिपर्स कैंची, डिवाइडर्स परकाल, पिंसर्स चिमटी, सीजर्स कैंची, शीयर्स बड़ी कैंची जिसका इस्तेमाल बाग बगीचे में फूल पत्तियों को काटने के लिए होता है, टोंग्स यानी चिमटा, ग्लासेस गॉगल्स स्पेक्टेकल्स तीनों का मतलब होता है चश्मा, ऐनक, प्लायर्स यानी प्लास, फैंग्स यानी दांत, पर्टिकुलर्स विवरण, रिगार्ड्स यानी शुभकामनाएं, सेविंग्स यानी बचत, शैम्बल्स यानी अस्त व्यस्त स्थिति या स्थान, टैक्टिस दांव पेच, थैंक्स धन्यवाद, ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से पॉइंट नंबर 13 हमारा खत्म होता है, ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 14 पर आ चुके हैं हम लोग, अभी पॉइंट नंबर 14 में हमें समझना है प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन को, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो एवरीवन कंपाउंड नाउन एक तरह का नाउन है, कंपाउंड नाउन एक तरह का नाउन है जो बनता है एक से अधिक शब्दों के मिलने से, अब भाई कंपाउंड नाउन में एक से अधिक वर्ड होता है, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे, हर वर्ड में एस चिपकाएंगे, पहले वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, बीच वाले को, लास्ट वाले को, किसको प्लूरल बनाएंगे, है ना, आइए समझते हैं कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, देखिए एवरीवन, पहला पॉइंट है क्या कहता है कि एड एस टू द प्रिंसिपल वर्ड व्हेन अ कंपाउंड नाउन इज हाइफनेटेड, अगर कोई कंपाउंड नाउन हाइफनेटेड है, अगर किसी कंपाउंड नाउन में हाइफन है तो बोला जा रहा है कि आप प्रिंसिपल वर्ड में, है ना, मेन वर्ड में मुख्य शब्द को प्लूरल बनाएंगे, कैसे, उसमें एस लगा के, ये सारे एग्जांपल से देखिए, ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, तीन शब्दों के मिलने से बना है ये एक वर्ड, है ना, अब इसका प्रिंसिपल वर्ड कौन है, ऑब्वियस है ब्रदर, तो ब्रदर में आपने एस लगाया, उसका प्लूरल तैयार हो गया, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हो गया ब्रदर्स इन लॉ, पासर बाई में पासर प्रिंसिपल वर्ड है तो पासर्स भाई, वाटर बॉटल में वाटर प्रिंसिपल वर्ड है तो वाटर्स बॉटल, लुकर ऑन का लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, चीफ मिनिस्टर में मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेप सन में सन है प्रिंसिपल वर्ड मेन वर्ड तो स्टेप सन्स, ग्रैंडफादर में फादर है तो ग्रैंडफादर्स, बॉय स्टूडेंट में स्टूडेंट है तो बॉय स्टूडेंट्स, गर्ल चाइल्ड में चाइल्ड है तो क्या, गर्ल चाइल्ड या गर्ल चिल्ड्रन,
गर्ल चाइल्ड्स नहीं, गर्ल चिल्ड्रन. गवर्नर जनरल में एवरीवन गवर्नर है प्रिंसिपल वर्ड, तो गवर्नर्स जनरल. मेजर जनरल में जनरल हो जाता है तो मेजर जनरल्स. मेड सर्वेंट में सर्वेंट हो जाता है तो मेड सर्वेंट्स. ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है पहला पॉइंट? प्रिंसिपल वर्ड में आप एस जोड़ेंगे, है ना, प्रिंसिपल वर्ड को आप प्लूरल बनाएंगे अगर उस कंपाउंड नाउन में एक हाइफन मौजूद है, है ना. तो सवाल उठ रहा होगा अगर हाइफन ना हो तब, तब बोला जा रहा है एवरीवन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल वर्ड, है ना, एड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. मतलब हाइफन है लेकिन प्रिंसिपल वर्ड नहीं है, तब क्या करेंगे? तब जो लास्ट वर्ड है, ठीक है एवरीवन, जो लास्ट वर्ड है कंपाउंड नाउन का उसमें एस जोड़ना है. अब देखिए चार एग्जांपल है, फॉरगेट मी नॉट, कोर्ट मार्शल, गो बिटवीन, पिक मी अप. अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि किसको प्रिंसिपल वर्ड मानना है, तो लास्ट में एस चिपका देना है. तो फॉरगेट मी नॉट का एवरीवन प्लूरल होता है फॉरगेट मी नॉट्स, कोर्ट मार्शल का हो जाता है कोर्ट मार्शल्स, गो बिटवीन का हो जाता है गो बिटवीन्स, और पिक मी अप का हो जाता है प्लूरल पिक मी अप्स. ठीक है एवरीवन, चलिए ओके एवरीवन. पॉइंट नंबर थ्री में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन बना है, कैसे, वर्ड प्लस ऑफ प्लस वर्ड, ठीक है, कोई एक वर्ड है उसके बाद ऑफ आया है फिर वर्ड आया है, तो वो जो पहला वर्ड है उसमें आप एस चिपका देंगे ना, पहले वर्ड को आप प्लूरल बना देंगे अगर इस स्ट्रक्चर पर कोई कंपाउंड नाउन बना है. जैसे देखिए कप ऑफ टी, पहला वर्ड है ऑफ है फिर दूसरा वर्ड है, तो कप में एस जोड़ेंगे, कप्स ऑफ टी, ना कि टीम में जोड़ देंगे, है ना. कोट ऑफ मेल, तो कोट्स ऑफ मेल. मैन ऑफ वॉर, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, तो मैन ऑफ वॉर. ठीक है, राइट ऑफ पैसेज, तो राइट्स ऑफ पैसेज. चलिए चौथे पॉइंट को समझते हैं. अगर कोई कंपाउंड नाउन बना है, कैसे, नाउन है और उसमें जोड़ा गया फुल, एफ यू एल, फुल, तो फुल में एस चिपकाना है ना कि उस नाउन में. अब इसे बकेट फुल है तो बकेट फुल्स, कप फुल सिंगुलर है उसका प्लूरल कप फुल्स होगा, हैंड फुल का प्लूरल हैंड फुल्स, माउथ फुल का प्लूरल माउथ फुल्स, स्पून फुल का प्लूरल स्पून फुल्स, ट्रक फुल का प्लूरल ट्रक फुल्स. ठीक है, आइए पांचवें पॉइंट पर आते हैं. अगर कोई कंपाउंड नाउन बना है, कैसे, पहला वर्ड वर्ब है दूसरा वर्ड प्रपोजिशन है, है ना, वो कंपाउंड नाउन है लेकिन उसमें पहला वर्ड वर्ब है दूसरा प्रपोजिशन है, तो फिर प्रपोजिशन में एस जोड़ेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए. तो चेक इन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, चेक इन्स. बिल्डअप सिंगुलर है उसका प्लूरल क्या होगा, बिल्डअप्स. टेकआउट सिंगुलर है उसका प्लूरल क्या होगा, टेकआउट्स. लव इन का प्लूरल क्या होगा, लव इन्स. आइए अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर सिक्स एवरीवन आपको बताना चाहता है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन या वुमन के जुड़ने से बना है, अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन या वुमन के जुड़ने से बना है तो आप दोनों नाउन को प्लूरल बनाओ. ठीक है, तो मैन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मेन डॉक्टर्स. ध्यान दे रहे हो, मैन का प्लूरल मेन है ना, और डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स. वुमन टीचर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वुमन टीचर का प्लूरल फॉर्म होगा वीमेन टीचर्स, वीमेन टीचर्स. वुमन का प्लूरल विमेन और टीचर का प्लूरल टीचर्स. ठीक है, अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन वुमन से बना है तो दोनों को प्लूरल बनाना है. लेकिन देखिए कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है. अब आप सबको बताना है कि इसका प्लूरल क्या होगा, मैन ईटर. अब अगर आप बोलेंगे कि मैन ईटर का प्लूरल मेन ईटर्स होता है तब एवरीवन आप गलत बोलेंगे. मैन ईटर का प्लूरल मेन ईटर्स नहीं होता है. अभी दोनों वर्ड को प्लूरल नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ ईटर को लास्ट वर्ड को ही प्लूरल बनाएंगे. मैन ईटर का प्लूरल फॉर्म होगा मैन ईटर्स. इसी तरह से वुमन हेटर का प्लूरल विमेन हेटर्स नहीं होगा, वुमन हेटर्स ही होगा. अब यहाँ पे आपको एनोमली नज़र आ रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि अभी तो सर आपने बोला कि मैन वुमन रहेगा तो दोनों को प्लूरल बना देना, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अंतर है, अंतर को समझिए, है ना. देखिए मैन डॉक्टर यानी पुरुष चिकित्सक, यानी वो चिकित्सक जो पुरुष है या वो पुरुष जो चिकित्सक है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो पुरुष भी है और चिकित्सक भी है. यहाँ पे आ जाइए, मैन ईटर मतलब आदमखोर, आदमी खाने वाला. यहाँ पे आदमी कोई और है, खाने वाला कोई और है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्राणियों की बात हो रही है एवरीवन.
वुमन टीचर महिला शिक्षक, यानी वो महिला जो शिक्षक है, या यूं कहें कि वो शिक्षक जो महिला है, तो एक ही व्यक्ति है, एक ही प्राणी है जो महिला भी है और शिक्षक भी है, तो एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा, बात होगी, तो दोनों को प्लुरल बनाएंगे, लेकिन जब अलग अलग प्राणियों का बोध होगा तो लास्ट वर्ड को, अंतिम शब्द को प्लुरल बनाएंगे। अब देखिए, वुमन हेटर, स्त्री द्वेषी, स्त्री कोई और है, उससे द्वेष करने वाला, नफरत करने वाला, घृणा करने वाला कोई और है, तो वुमन हेटर का प्लुरल विमेन हेटर्स नहीं होगा, वुमन हेटर्स ही होगा। इस तरह से एवरीवन पॉइंट नंबर 14 खत्म होता है। चलिए एवरीवन, तो आगे हम लोग लेसन नाउन नंबर के आखिरी पॉइंट पर, आखिरी रूल पर, आखिरी पॉइंट पे हमें पढ़ना है ऐसे नाउन्स के बारे में जिसका सिंगुलर में एक मीनिंग होता है और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, अगर उस वर्ड में, उस नाउन में आपने एस नहीं जोड़ा है तो एक मीनिंग आएगा, उसका एक मतलब आएगा, एक अर्थ आएगा, या एक से अधिक अर्थ भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस वर्ड में, उस नाउन में आप एस जोड़ देते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मतलब, अर्थ, आशय, तात्पर्य बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे भी नाउन्स होते हैं इंग्लिश में, है ना, एक एक करके आइए उनको भी देखते। चलिए, पहला नाउन है एवरीवन इस तरह का एब्यूज। एब्यूज का मतलब आपको मालूम है, तीन तीन मीनिंग है, देख रहे हैं, रूड वर्ड्स यानी गाली, मिसयूज यानी दुरुपयोग, बैड ट्रीटमेंट यानी अशोभनीय व्यवहार होता है। तो ये तीन अलग अलग मीनिंग होते हैं एब्यूज के, लेकिन अगर आप इसको प्लूरल बना देंगे, इसमें एस ऐड कर देंगे, तो उसका मीनिंग इन तीनों में से कोई एक नहीं रह जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इल कस्टम्स यानी कुरीतियाँ। कु मतलब खराब, बुरी, गंदी, गंदी रीति रिवाज, इल कस्टम, जैसे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, है ना, ये एब्यूजेस का मतलब हो जाएगा एवरीवन। तो ये तीनों एब्यूज के मीनिंग है और वो एब्यूजेस का मीनिंग है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड, अगला नाउन है एडवाइस। एडवाइस का मतलब आप जानते हैं, गाइडेंस, सजेशन, सलाह, सुझाव, मशवरा, परामर्श, और एडवाइसेस कर देंगे उसको, तो उसका मतलब नोटिसेस हो जाएगा। नोटिसेस यानी सूचनाएं जो व्यापार से संबंधित होती हैं। चलिए तीसरा वर्ड, तीसरा नाउन एवरीवन एयर। बहुत कॉमन वर्ड है ना। एयर क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर है ना, गैसेस का एक मिश्रण है, इसको हम लोग हिंदी में वायु, हवा, पवन बोलते हैं। और अगर एयर्स हो जाएगा वो, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा फॉल्स बिहेवियर यानी दिखावटी आचरण। ठीक है, ओके। चौथा वर्ड, चौथा शब्द, चौथा नाउन एवरीवन अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट क्या होता है? लेटर्स का एक सेट है, अक्षरों का, वर्णों का एक सेट है, समूह है, जो कि किसी एक भाषा में, लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, है ना। उसको हिंदी में एक शब्द में आप कह सकते हैं वर्णमाला, अक्षरमाला, अक्षर समूह, है ना। अब अगर वो अल्फाबेट्स हो गया तो उसका मीनिंग हो जाएगा लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, मोर देन वन लैंग्वेजेस। ठीक है एवरीवन, चलिए ओके एवरीवन, नंबर 5 है अमेंड। ठीक है, अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, संशोधन। अब इसमें एस लगाएंगे, अमेंड्स कर देंगे, तो उसका मीनिंग हो जाएगा कंपनसेशन, मुआवजा, हर्जाना, क्षतिपूर्ति, पेनाल्टी। चलिए वर्ड नंबर 6 है आर्म। आर्म क्या होता है एवरीवन? अपर लिम्ब, है ना, इंसानों का अपर लिम्ब, जिसको कि हम लोग हिंदी में बाह, बाजू, भुजा कहते हैं। अब उसको अगर आर्म्स कह देंगे तो आर्म्स के दो मीनिंग हो जाएंगे, एक तो बाह, भुजा, बाजू हो ही जाएगा, और फिर वेपन्स भी हो जाएगा, वेपन्स यानी हथियार। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है फॉर्म, स्वरूप, और अपीयरेंसेस का मतलब होता है आउटवर्ड शो यानी बाहरी दिखावा। बीफ का मतलब होता है फ्लैश ऑफ काउ, गौ मांस, गाय का मांस, और उसका प्लूरल अगर आप बीफ्स कर देते हैं तो उसका मतलब कैटल हो जाता है, मवेशी हो जाता है, यानी गाय, भैंस, बकरी, भेड़। चलिए कलर का मतलब एवरीवन होता है डाई या हो यानी रंग। ठीक है, और कलर्स का मतलब हो जाता है फ्लैग्स, झंडे, ध्वज। कस्टम का मतलब होता है एवरीवन राइट्स, रीति रिवाज। ठीक है, और कस्टम्स का मतलब हो जाता है टैक्स यानी कर। ओके, कॉपर आपको पता होना चाहिए, एक तरह का मेटल है, धातु है, जिसको कि हिंदी में हम लोग तांबा कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको कॉपर्स कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कॉइन्स ऑफ कॉपर, तांबा के सिक्के। ओके,
कॉम्पास है एवरीवन। कॉम्पास के दो मीनिंग होता है। कंपास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, तो दिशा सूचक यंत्र। और कंपास एवरीवन एक पर्टिकुलर रेंज भी होता है किसी एरिया का, है ना, सीमा दायरा। अब इसको कंपासिस कर देंगे तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही होगा, है ना, जिसको कि हिंदी में प्रकार बोलते हैं, और उसका इस्तेमाल हम लोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। चलिए, डैमेज का मतलब होता है हार, मैंने क्षति, है ना, नुकसान, हर जाना। और डैमेजेस का मतलब हो जाएगा एवरीवन कॉम्पनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति। ओके, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, यानी प्रभाव, परिणाम, असर। और इफेक्ट्स के दो मीनिंग, एक तो प्रभाव, परिणाम, असर होगा ही, और इफेक्ट्स का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है, संपत्ति भी होता है। चलिए, और भी वर्ड्स एवरीवन देखते हैं उसको भी। फिफ्टींथ वर्ड है एवरीवन फोर्स। फोर्स का एक मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, बल, और दूसरा मतलब होता है आर्मी, यानी सेना, फौज। फोर्सेस का मतलब हो जाता है आर्मीज, यानी एक से अधिक सेना, सेनाएं, फौजें। गुड का मतलब होता है वेलनेस। गुड का मतलब नाउन के रूप में होता है वेलनेस, भलाई, है ना, अच्छाई। और गुड्स का मतलब थिंग्स, चीज़ें, वस्तुएं। ग्राउंड का एक मतलब होता है एवरीवन लैंड, भूमि, जमीन, और दूसरा मतलब होता है रीजन, कारण, तर्क, बेस, आधार। और लैंड्स, सॉरी, ग्राउंड्स का दूसरा मतलब होता है लैंड दैट सराउंड्स अ बिल्डिंग, मतलब वो जमीन जो किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरे रहती है। चलिए, ह्यूमैनिटी के तीन मीनिंग देखेंगे आप। एक है मैनकाइंड, यानी मानव जाति, दूसरा है काइंडनेस, यानी दया, और तीसरा है क्वालिटी ऑफ बिग ह्यूमन, यानी मानव होने की क्वालिटी, जिसको हम लोग मानवता, इंसानियत, मनुष्यता कहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एवरीवन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, है ना, जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं, कला भी कहते हैं, जिसमें हम लोग लिटरेचर, फिलोसफी, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। ओके, आयरन एवरीवन एक तरह का मेटल है जिसको लोहा बोला जाता है। आयरन्स का मतलब हैंडकप्स हो जाता है, हथकरी। लेटर का मतलब पत्र, चिट्ठी होता है, मेल। लेटर अक्षर को, वर्ण को भी बोलते हैं, वो जो सिंबल होता है, लेकिन लेटर्स का मतलब नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। लैंड एवरीवन, जमीन हो गया ग्राउंड, और लैंड्स का मतलब ध्यान दीजिएगा कंट्रीज हो जाता है। ओके, चलिए एवरीवन, वर्ड नंबर 20 है मैनर। मैनर मतलब वे और स्टाइल ऑफ डूइंग अ थिंग, किसी काम को करने का तरीका, ढंग, स्टाइल, शैली। मैनर्स का मतलब हो जाएगा कंडक्ट या बिहेवियर, व्यवहार, आचरण, स्वभाव। मिनट, घंटे का 60वां भाग, और मिनट्स का मतलब हो जाएगा नोट्स, है ना, नोट्स ऑफ अ मीटिंग। नंबर का मतलब संख्या होता है, है ना, कोई वर्ड या सिंबल। और नंबर्स का मतलब हो जाएगा कोई सॉन्ग या डांस, कोई गाना या नृत्य। पेन का मतलब दर्द होता है एवरीवन, पीरा, कष्ट, तकलीफ। पेन्स का मतलब हो जाता है एफर्ट्स या प्रयास। फिजिक मतलब मेडिसिन, यानी औषधि, दवा। और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, विषय है अध्ययन का, जिसको कि हम लोग भौतिकी शास्त्र भी कहते हैं। प्रोसीडिंग यानी लीगल एक्शन, कार्यवाही। और प्रोसीडिंग्स मतलब रिटन रिकॉर्ड्स, यानी आलेख। पीपल का दो मीनिंग है, एक तो लोग होता ही है, पीपल का मतलब राष्ट्र भी होता है। पीपल्स मतलब नेशंस, एक से अधिक देश, एक से अधिक राष्ट्र। पाउडर, डस्ट यानी धूल, और पाउडर्स मतलब हो जाता है डोज ऑफ मेडिसिन, दवा की खुराक। प्रीमाइस एवरीवन, कोई आइडिया या थ्योरी, कोई सोच विचार, कोई सिद्धांत। और प्रीमिसेस मतलब हो जाता है कैंपस, कैंपस यानी परिसर। चलिए, ठीक है, वर्ड नंबर 31 एवरीवन पार्ट, मतलब भाग, हिस्सा, अंश यानी सेक्शन। और पार्ट्स का मतलब हो जाता है एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, काबिलियत। क्वार्टर मतलब 1/4, एक चौथाई। और क्वार्टर्स यानी लॉजिंग्स, आवास, निवास, रहने की जगह। रिटर्न मतलब कमिंग बैक, वापसी। रिटर्न्स का दो मीनिंग होता है, एक प्रॉफिट, लाभ, और दूसरा अकाउंट्स यानी खाता। सैंड यानी रेत, बालू, मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स। और सैंड्स का मतलब डेजर्ट्स, रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि। स्पेक्टेकल का मतलब एवरीवन दृश्य होता है, अद्भुत दृश्य। और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, चश्मा। वेस्पर यानी इवनिंग, संध्या, शाम। और इवनिंग प्रेयर्स हो जाता है वेस्पर्स का मीनिंग।
शाम में की जाने वाली प्रार्थना है। वाटर यानी पानी, जल, और वाटर्स यानी सी, समुद्र, सागर। वुड मतलब एवरीवन लकड़ी, लट्ठा, और वुड्स मतलब स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल। और ये लास्ट वर्ड है एवरीवन वर्क, जिसका मतलब होता है जॉब यानी कार्य, कर्म, काम। और वर्क्स के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है फैक्ट्रीज यानी कारखाने, और दूसरा मीनिंग होता है लिटरेरी कॉम्पोजिशन यानी साहित्यिक रचनाएं। इस तरह से एवरीवन ये जो लेसन है नाउन एंड नंबर, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू।